Hello everyone, welcome back our session. So children, in the previous class we have completed our lesson number 5th, Mumbai. Okay, so now today we will going to start revision of lesson number 6, Kolkata. Okay, so let we start. So children, aaj main revision karna hai lesson number 6, Kolkata is lesson. Okay, so children, kisi bhi place ko हमें अगर विजिट करना हो तो क्या करना होता है? यस, इस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में हमें एग्जैक्ट एड्रेस मालूम होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. ओके, अगर पर्टिकुलर एड्रेस हमारे पास नहीं होगा तो दैट्स व्हाई हम उस प्लेस को विजिट कर पाएंगे क्या? नो. सो किसी भी प्लेस को विजिट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना इम्पोर्टेंस होता है? यस, उस प्लेस के लोकेशन के बारे में कि वो प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पे सिचुएटेड है, इसके बारे में. ओके, सो चिल्ड्रन, आज हमें जानना है, यस, आज हमें कौन से सिटी को विजिट करना है? कोलकाता. ओके, कोलकाता. सो चिल्ड्रन, कोलकाता ये नाम तो आपने भी सुना होगा. यस, कोलकाता ये जो सिटी है वो कौन से स्टेट में आती है? यस, वेस्ट बंगाल. ओके, वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता. ओके, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे लोकेशन ऑफ कोलकाता के बारे में, बिकॉज किसी भी प्लेस पे हमें जाना हो तो उसके लोकेशन के बारे में हमें पता होना जरूरी होता है. और आज हमें क्या करना है? यस, आज हमें कोलकाता सिटी की जर्नी को स्टार्ट करना है. ओके, सो चिल्ड्रन, सबसे पहले हम जानेंगे द लोकेशन ऑफ कोलकाता के बारे में. सो चिल्ड्रन, अगेन हमें क्या करना होगा? इंडियन मैप को ही फॉलो करना होगा. यस, अपर पार्ट इज यस नॉर्थ, बट बॉटम पार्ट इज साउथ, लेफ्ट पार्ट इज वेस्ट एंड राइट पार्ट इज ईस्ट डायरेक्शन. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हो गए इंडियन मैप के अकॉर्डिंग डायरेक्शन, और इसी के व्यू के थ्रू हमें जाना है कोलकाता ये सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है. सो स्टूडेंट्स, आपके बुक्स में यस, लुक एट हियर, ये क्या है? इंडिया का मैप. ओके, सो स्टूडेंट्स, इंडिया की ईस्ट डायरेक्शन पे, इट मीन्स लेफ्ट पार्ट के साइड में यहाँ पे, यस, यहाँ पे कौन सा स्टेट सिचुएटेड है? वेस्ट बंगाल. यहाँ पे क्या आता है? वेस्ट बंगाल. ओके, सो स्टूडेंट्स, वेस्ट बंगाल की ही कैपिटल क्या है? कोलकाता. ओके, सो स्टूडेंट्स, इंडिया की इस डायरेक्शन की ओर यहाँ पे लास्ट डायरेक्शन पे यहाँ पे कौन सा स्टेट सिचुएटेड है? वेस्ट बंगाल. ओके, और वेस्ट बंगाल की ही कैपिटल क्या है? कोलकाता. इट मीन्स कोलकाता ये जो सिटी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? इंडिया के इस डायरेक्शन पे, मीन्स वेस्ट बंगाल इस स्टेट पे, यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन उसका आता है यहाँ पे. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हो गए कोलकाता के लोकेशन के बारे में कि कोलकाता ये जो सिटी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है. सो चिल्ड्रंस, कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. यस, आपको मैंने पहले ही बताया था कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? वेस्ट बंगाल स्टेट की कोलकाता. ओके, अर्लियर इट वाज नोन एज कैलकटा. सो चिल्ड्रंस, पहले कोलकाता इस सिटी को कैलकटा इस नाम से ही जाना जाता था. इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली. कोलकाता ये जो सिटी है वो कौन सी रिवर? रिवर हुगली. विच रिवर? हुगली रिवर. सो चिल्ड्रंस, कोलकाता ये जो सिटी है रिवर हुगली Thank you.
कोलकाता ये जो सिटी है वो हुगली रिवर के बैंक पे ही सिचुएटेड है. विच रिवर? हुगली रिवर. सो चिल्ड्रंस, कोलकाता इज अबाउट 130 किलोमीटर फ्रॉम द सी एंड इज कनेक्टेड विद द सी थ्रू द रिवर हुगली. सो चिल्ड्रंस, कोलकाता ये जो सिटी है वो हुगली रिवर के बैंक पे ही सिचुएटेड है और लगभग 130 किलोमीटर जो एरिया है वो इससे कनेक्ट हुआ है. हुगली रिवर से ही कोलकाता इस सिटी का कनेक्ट हुआ है. द स्टूडेंट, बीइंग द कैपिटल सिटी, ऑल द इम्पोर्टेंट ऑफिसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर इन दिस सिटी. सो चिल्ड्रंस, वेस्ट बंगाल की जो स्टेट है, वेस्ट बंगाल स्टेट के जो भी इम्पोर्टेंट ऑफिसेस है वो सारे ऑफिसेस कहाँ पे सिचुएटेड है? यस, कोलकाता इस सिटी में ही सिचुएटेड है. सो चिल्ड्रंस, अभी हमने जाना लोकेशन के बारे में. आपको समझ में आया कि कोलकाता ये जो सिटी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? यस, इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन पे. वेस्ट बंगाल स्टेट की कैपिटल है कोलकाता और वेस्ट बंगाल ये जो स्टेट है, कोलकाता ये जो सिटी है वो हुगली रिवर के बैंक पे ही सिचुएटेड है. ओके, सो चिल्ड्रंस, अब हम जानेंगे क्लाइमेट के बारे में. इसके बारे में? यस, कोलकाता सिटी के क्लाइमेट के बारे में. सो चिल्ड्रंस, द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. सो चिल्ड्रंस, कोलकाता का जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा ठंडा भी नहीं और ज़्यादा गर्म भी नहीं. ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर आर हेवी रेन एंड द विंटर बिकम क्वाइट हॉट एंड ह्यूमिड. सो चिल्ड्रंस, कोलकाता का जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ज़्यादा गर्म भी नहीं. मीन्स नाइदर वेरी और नॉर वेरी कोल्ड. देन वहाँ का जो हेवी वहाँ का जो रेनी सीजन है उस सीजन में वहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है. देन वहाँ का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा ह्यूमिड है. मीन्स वहाँ पे चिपचिपापन महसूस होता है. देन स्टूडेंट, अब हम जानेंगे कोलकाता सिटी के इंडस्ट्रीज के बारे में. मीन्स वहाँ पे इस तरह की फैक्ट्रीज पाई जाती है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ कौन सी होती है, इसके बारे में वहाँ पे कौन सी चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती है, इसके बारे में हम जानेंगे. सो चिल्ड्रंस, कोलकाता मेन इंडस्ट्री इज जूट प्रोसेसिंग. सो चिल्ड्रंस, कोलकाता ये जो सिटी है वो जूट इस फाइबर की मेन प्रोसेसिंग सिटी हम उसे बोल सकते हैं. सो चिल्ड्रंस, जूट की मेन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, जूट जो कि एक फाइबर है, कौन से होते हैं? कॉटन, जूट, जिसके थ्रू हम क्या बनाते हैं? क्लॉथेस बनाते हैं. सो चिल्ड्रंस, कोलकाता सिटी में जूट मैन्युफैक्चरिंग की, जूट प्रोसेसिंग की मेन इंडस्ट्रीज कहाँ पाई जाती है? कोलकाता सिटी में पाई जाती है. द स्टूडेंट्स, सम अदर इंडस्ट्रीज आर टेक्सटाइल, लेदर, ऑटोमोबाइल, केमिकल, राइस एंड पेपर. सो चिल्ड्रंस, जूट प्रोसेसिंग की मेन इंडस्ट्री कोलकाता में पाई जाती है. उसके अलावा कोलकाता में टेक्सटाइल इट मीन्स कपड़ों की, देन लेदर इट मीन्स जिसके हम बैग्स बेल्ट बनाते हैं वो वाली फैक्ट्रीज, देन ऑटोमोबाइल्स, देन केमिकल्स, राइस एंड पेपर, ये सारी इंडस्ट्रीज भी कोलकाता में पाई जाती है. सो चिल्ड्रंस, कोलकाता में किस किस तरह की इंडस्ट्रीज पाई जाती है? मेन तो जूट प्रोसेसिंग की मेन इंडस्ट्रीज कोलकाता में पाई जाती है. उसके अलावा टेक्सटाइल मीन्स कपड़ों की, देन ऑटोमोबाइल्स, देन केमिकल्स, राइस, पेपर, ये सारी इंडस्ट्रीज भी कहाँ पाई जाती है? कोलकाता में पाई जाती है. राइस क्यों पाई जाती होंगी? यस, यहाँ पे कोस्ट लाइन पाई जाती है. मीन्स वहाँ कोस्ट लाइन मीन्स किनारे तट वहाँ पे होते हैं. यही से ही क्या है, यहाँ पे कौन सी बिग वाटर बॉडी है या फिर इस डायरेक्शन पे कौन सी वाटर बॉडी है? बे ऑफ बंगाल. ओके, स्विचमेंस बे ऑफ बंगाल ये बिग वाटर बॉडी यहाँ पे इंडिया के बाद इंडिया को सराउंडेड किए हैं. दैट्स वाई यहाँ पे कोस्ट लाइन पाई जाती है. इसी कारण वहाँ राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है.
इसी कारण कोलकाता सिटी में राइस की भी फैक्ट्रीज पाई जाती है, उसके अलावा पेपर फैक्ट्रीज भी वहाँ पाई जाती है। देन स्टूडेंट अब हम जानेंगे फेस्टिवल्स के बारे में, इसके बारे में फेस्टिवल के बारे में, मीन्स कोलकाता सिटी में किस तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। सो चिल्ड्रन, द पीपल ऑफ कोलकाता सेलिब्रेटेड अ नंबर ऑफ फेस्टिवल, बट दुर्गा पूजा इज द मोस्ट पॉपुलर। इट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय एंड फॉर 10 डेज। सो चिल्ड्रन, कोलकाता सिटी में हर तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, बट दुर्गा पूजा वहाँ का क्या है, मेन फेस्टिवल है। सो चिल्ड्रन, दुर्गा पूजा मीन्स नवरात्र। ओके, सो चिल्ड्रन, नवरात्र में हम दुर्गा जी की स्थापना करते हैं, देन 9 डेज दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन करते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, कोलकाता सिटी का भी मेन फेस्टिवल है दुर्गा पूजा। उसके अलावा 10 दिन वो फेस्टिवल वहाँ बहुत ही जॉय के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सो चिल्ड्रन, ये हो गए कोलकाता के फेस्टिवल के बारे में। अब हम जानेंगे कि कोलकाता में किस तरह के क्लॉथेस ड्रेसेस वेयर किए जाते हैं, देन वहाँ कौन सी लैंग्वेज स्पीक की जाती है, देन वहाँ किस तरह का फूड ईट किया जाता है। सो चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ द पीपल इन कोलकाता वेयर सिंपल ड्रेसेस। सो चिल्ड्रन, ज़्यादातर वहाँ के जो लोग हैं कोलकाता के, वो सिंपल ड्रेस ही पहना करते हैं, वेयर करते हैं। द स्टूडेंट, मेन वेयर धोती कुर्ता एंड द वुमन वेयर साड़ी ब्लाउज। सो चिल्ड्रेंस, वहाँ के जो मेन्स है वो धोती कुर्ता वेयर करते हैं, एंड वहाँ की जो वुमन है वो साड़ी ब्लाउज, जिस तरह आपकी मम्मीज या फिर मैं, आपकी मम्मा या फिर मैंने जो साड़ी ब्लाउज वेयर की है, उस तरह के ब्लाउज वहाँ की भी लेडी वेयर करती है। देन अब हम जानेंगे कोलकाता की लैंग्वेज के बारे में। They speak Bengali, English and Hindi are also widely spoken. So children, Kolkata की main language है Bengali, which language? Bengali. उसके अलावा वहाँ पे Hindi and English language भी speak किया की जाती है। Okay. Then student, अब हम जानेंगे Kolkata में किस तरह के food eat किया करते हैं लोग। So children, Bengalis are very fond of eating sweets. So children, Bengal की मिठाई whole country में, नहीं whole India में famous है। Okay, रसगुल्ला आपने तो सुना ही होगा। Yes, रसगुल्ला, then छेना पे समझे से कहते हैं, ये सारे sweet dishes कहाँ से आई है? Yes, ये कोलकाता की ही main dishes, sweet dishes है। Okay, so children, Bengalis are very food and eating sweet. Their sweets are famous all over India. Sandesh and Rasgulla are some of their popular sweet. Rice and fish for an important part of their diet. So children, Sandesh, it means chena pe samjhe se kehte hain, wo then, yes, Rasgulla, yes, aapke unko aaj bhi double se paani aaya hai, yes. Jis tarah Mumbai ka snack kaun sa hai famous, yes, pani puri pav bhaji. उसी तरह हाँ, हम जो चेना पे रसगुल्ला ईट करते हैं, वो जो स्वीट डिश है वो कहाँ की फेमस स्वीट डिश है? कोलकाता की, वेस्ट बंगाल की। इट मींस वेस्ट बंगाल अगर आपको किसी ने कहा तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? या सबसे पहले रसगुल्ला, क्योंकि वहाँ की एक फेमस वहाँ की स्वीट डिश है। देन जूट, जूट इंडस्ट्रीज, जूट, यस, जूट प्रोसेसिंग सेंटर। ओके, देन हुगली रिवर, इट मीन्स कोलकाता अगर आपको किसी ने बोला तो आपके जहन में कौन सी चीजें आना चाहिए? सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल। ओके, बिकॉज वेस्ट बंगाल क्या है, वहाँ उस कोलकाता ये जो सिटी है वो वेस्ट बंगाल स्टेट में आती है। ओके, देन हुगली रिवर, हुगली रिवर के बैंक पे ही कोलकाता सिटी सिचुएटेड है। देन यस, जूट इंडस्ट्रीज, इट मीन्स जूट प्रोसेसिंग मेन सेंटर कहाँ पे है? कोलकाता में, इसीलिए जूट प्रोसेसिंग सेंटर भी आपके जहन में आना चाहिए। देन यस, दुर्गा पूजा, उसके बाद रसगुल्ला एंड बंगाली लैंग्वेज, यस। सो चिल्ड्रेंस,
राइस एंड फिश, उसके अलावा राइस एंड फिश वहाँ की डाइट का एक मेन पार्ट है, एक मेन डिश है. ओके, फिश राइस के साथ फिश वहाँ की एक मेन डाइट फूड है. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा कोलकाता के जो पीपल्स हैं वो फिश राइस ईट करते हैं. सो जो फ्रेंड्स, आज हमने जाना यस कोलकाता के लोकेशन ऑफ कोलकाता, देन क्लाइमेट, इंडस्ट्रीज एंड फेस्टिवल. ओके, सो जो फ्रेंड्स, इसे ही हम शॉर्टकट में वन टाइम रिवाइज कर लेते हैं. लोकेशन मीन्स क्या आ गया, यस हुगली रिवर. ओके, क्योंकि वेस्ट बंगाल, लोकेशन के बारे में जानना है तो वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ही सिचुएटेड है कोलकाता सिटी. देन हुगली रिवर के बैंक पे है, इट मीन लोकेशन में आ गया हुगली रिवर एंड वेस्ट बंगाल. देन क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा है, नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, और रेनी सीजन वहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है. देन इंडस्ट्रीज, जूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहाँ की मेन है. ओके, उसके अलावा राइस, पेपर, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, ये सारी इंडस्ट्रीज भी वहाँ पाई जाती है. देन फेस्टिवल वहाँ पर उसे सेलिब्रेट करके जाते हैं, दुर्गा पूजा वहाँ का मेन फेस्टिवल है, उसके अलावा अदर फेस्टिवल भी वहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं. देन स्टूडेंट ड्रेसेज जो है वहाँ के पीपल सिंपल ड्रेस वेयर करते हैं, उसके अलावा धोती कुर्ता एंड साड़ी ब्लाउज, इस तरह के ड्रेसेस वहाँ के मेन ड्रेसेस है. देन बंगाली वहाँ की मेन लैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश वहाँ पे स्पीक किया करते हैं लोग. देन फूड, सो चिल्ड्रेंस फूड में राइस एंड फिश वहाँ का मेन फूड है, उसके अलावा सोनदेश एंड रसगुल्ला वहाँ की क्या है, फेमस स्वीट डिश है. सो चिल्ड्रेंस, आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं. ओके, एंड आज के लिए आपका होमवर्क है, आपके लिए आज का होमवर्क. ओके, सो बाय एवरीवन एंड टेक केयर.